गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बनें या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए बियाबान स्थान पर पहुंचे। वहां एक बेरी का पेड़ था। गुरुजी बोले, मर्दाना यहीं पर कुछ देर विश्राम करते हैं। भाई मर्दाना ने दूसरी ओर देखा, वहीं पर एक कब्रिस्तान था। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ तो कब्रिस्तान है, इस स्थान से निकलते हैं और नजदीक ही कोई कस्बा या शहर होगा, वहाँ हम अपना डेरा जमाएंगे। गुरुजी बोले, मर्दाना ईश्वर की यही इच्छा है कि हम यहीं रहें, ईश्वर की सेवा यहीं से करें, चाहे कोई स्थान भीड़ वाला है या एकांत में, सभी स्थान बराबर हैं। ईश्वर हर जगह है और सभी और अपना प्यार समान रूप से फैला रहे हैं। ठीक है गुरुजी, पर अगर चलने से पहले कुछ खा ले तो अच्छा रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर अपनी आज्ञा भाई मर्दाना को दी। भाई मर्दाना भोजन करने लगे और दूसरी ओर गुरुजी अपनी आंखें बंद कर ईश्वर का सिमरन करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने आंखें खोली और भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना वहाँ देखो, वहाँ एक मकबरा है, वहाँ जाओ और जो भी वहाँ बाहर बैठा है उनसे कहो ईश्वर के प्रचारक यानी गुरुजी उनके संत से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना मकबरे की ओर चल पड़े। वहाँ मकबरे के बाहर कुछ लोग बैठे थे और मकबरे का दरवाजा बंद था। भाई मर्दाना बोले, मेरे गुरुवर श्री गुरु नानक देव जी आपके संत से मिलना चाहते हैं, वे अपना संदेशा उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अंदर जाएं और उनका संदेश अपने पीर को दें। हमारे पीर अंदर मकबरे में घोर तपस्या कर रहे हैं और यह क्रिया 40 दिन तक चलेगी, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेशा अंदर नहीं पहुँचा सकते। यह संदेशा मेरा नहीं है बल्कि गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव जी का है। तुम लोग देख सकते हो मैं मुस्लिम हूँ, परंतु मेरे गुरु मुस्लिम नहीं है। तुम लोग सोच सकते हो मैंने उनमें कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तभी मैं उनका शिष्य बना हूँ। मैं सच कहता हूँ, उनका संदेशा परमात्मा का संदेश है, उनकी वाणी में जादू सा प्रभाव है। अगर तुम उनका संदेशा अपने गुरु को दोगे तो उन्हें अवश्य फायदा होगा और साथ में तुम लोगों को भी। ओ अल्लाह के बंदे, शायद तुम सही कह रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते हमारे पीर बहुत कड़ी क्रिया कर रहे हैं, उनका हमें आदेश है इस क्रिया करते समय उन्हें कोई परेशान ना करे, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेशा उन तक नहीं पहुंचा सकते। अरे भाई आप समझें, उन तक संदेशा पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे गुरु अल्लाह के बंदे हैं तो वह अपना संदेशा उन तक किसी ना किसी माध्यम से पहुँचा ही देंगे। भाई मर्दाना ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने उनकी एक न मानी। भाई मर्दाना निराश होकर वापस गुरुजी की ओर चल दिए। भाई मर्दाना ने सारी घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम वहां दोबारा जाओ और उनसे कहो आज ठीक दोपहर के समय उनके पीर की तपस्या टूट जाएगी। भाई मर्दाना दोबारा वहां गए। मेरे गुरु ने तुम्हारे पीर के लिए यह संदेशा भिजवाया है कि आज दोपहर में तुम्हारे गुरु की तपस्या भंग हो जाएगी। यह सुनकर सब लोग विचलित हो गए। वे समझते थे कि उनके पीर अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पीर अपना श्वास रोक सकते हैं और ना जाने उनके पास कितनी और शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से सभी लोग उनसे डरते हैं। भाई मर्दाना के वचन सुनने के पश्चात सभी पीर के शिष्य अचंभे में थे। ऐसा कौन सा संत फकीर है जो हमारे पीर के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है? आज ठीक दोपहर में पीर की तपस्या भंग हो जाएगी, यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सभी लोग यह सुनकर गुरुजी के दर्शन करने पहुंच गए। सभी में यह जिज्ञासा थी कि ऐसा कौन है जो उस पीर की तपस्या भंग कर देगा। जब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो एक आदमी बोला,
ओ संत, हमने सुना है आप हमजा गोश की तपस्या भंग कर देंगे। हम आपके चरणों में हैं, हमारा उद्धार करो। गुरुजी बोले, तपस्या करना इंसान की अपनी इच्छा है, परंतु उस तपस्या का क्या फल निकलेगा यह सिर्फ ईश्वर जानता है। वह या तो बुरे कर्मों की सजा देगा या फिर माफी। सब कुछ उसके फैसले पर निर्भर है। जो उसने फैसला कर रखा है वो ही होगा। आप हमारे रक्षक हैं, हमें बचाएं। गुरुजी बोले, रक्षक वह है जिसने यह संसार बनाया है। तुम लोग चिंता मत करो, करतार भली करेंगे। भाई मर्दाना ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि माजरा क्या है? कुछ वर्ष पुरानी बात है, शहर में एक धनी व्यक्ति है जिसका नाम गीगा है। उसकी पत्नी और वह बहुत परेशान रहते थे। हे ईश्वर, तू कब सुनेगा? हमें कब संतान का सुख मिलेगा? संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई जत्न किए थे, परंतु सब जत्न विफल हो गए। एक दिन दोनों मियां बीबी को पता चला कि शहर में हमजा घोष नामक फकीर आया है। दोनों संतान की आस में उस फकीर के पास पहुंच गए। ओ पीर, हमारे पे कृपा करो, हमें कोई संतान नहीं है, अपना आशीर्वाद दे जिससे हमें संतान प्राप्ति हो। अल्लाहु अकबर, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ओ पीर, हम तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हैं। तो जाओ, तुम्हें 3 पुत्र होंगे, परंतु जो सबसे बड़ा होगा उसे मैं लेकर जाऊंगा। गीगा के यहाँ 3 पुत्र हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो फकीर वादे के मुताबिक उनके घर पहुँचा। अल्लाहु अकबर, समय आ गया है मियाँ, लाओ अपना पुत्र मुझे दो। नहीं फकीर, नहीं, हमने इसे बहुत नाजों से पाला है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे इसे दे दूं तुम्हें? पर तुमने वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहे हो। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम जो चाहे लेना चाहे ले लो, पर मैं अपना पुत्र तुम्हें नहीं दूंगा। परंतु जब गीगा ने वादा किया था तो उसने उसे पूरा क्यों नहीं किया? असल में गीगा हिंदू खत्री है और वह अपना पुत्र एक फकीर को कैसे दे दे जो कि मुस्लिम है। यह बात तो उसे पहले भी पता होगी कि वह मुस्लिम है। असल में यहाँ एक प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी संत फकीर के आशीर्वाद से किसी को संतान मिलती है और फकीर उससे वादा करता है कि वह उसका पुत्र लेगा, तो या तो वह उसे अपना पुत्र देता है या उस पुत्र के वजन के बराबर चांदी दे देता है। गीगा ने भी यही करा था, परंतु फकीर एक नहीं माना। नहीं, सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए। वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, यह झूठों का शहर है, इसलिए मैं तुम्हें ही नहीं इस पूरे शहर को तपस्या कर खाक में मिला दूंगा। नहीं पीर, ऐसा मत करो। नहीं नहीं पीर, नहीं नहीं नहीं। दूसरी ओर दोपहर होने लगी और ठीक दोपहर में मकबरे की छत का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो मकबरा नीचे गिर जाएगा। फकीर की तपस्या भंग हो गई। फकीर डर के मारे मकबरे से बाहर आ गया। दूर से यह नजारा सभी लोग देख रहे थे। फकीर भी गुरुजी के बारे में जानता था। उसने गुरुजी के किस्से सुन रखे थे। उसके चेले ने सुबह की बात उस फकीर को बताई। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी जो मुझे उस संत से नहीं मिलने दिया। सच्चा संत काले नाक की तरह होता है, उसके श्राप का कोई इलाज नहीं है। जो संत एक मकबरे को ढहा सकता है, वह आगे पता नहीं क्या श्राप दे। चलो उनके पास चलो। जैसे ही उसने सच्चे पातशाह को देखा, उसका गुस्सा, भूख, थकान सब मिट गई। गुरुजी ने उसे आदर से बिठाया और कहा, ईश्वर पिता है और हम उसके बच्चे। संत ईश्वर के दास हैं और हमें ईश्वर के बच्चों को मारना चाहिए या प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, पर हाँ, अगर किसी की उंगली पर सांप काट जाए तो उस उंगली को काट देना ही सही है। जो बच्चा झूठ बोले, संतों का मजाक उड़ाए, ऐसे बच्चों का मर जाना ही सही है।
फकीर ने यह बात गीगा व गांव वालों के लिए कही। गुरुजी ने उससे कहा, अगर कोई नासमझ बच्चा है या बुरा है तो उसे मारने की बजाय उसकी बुराई खत्म करनी चाहिए। परंतु उसकी बुराई खत्म ना हो तो उसे मारना ही सही है। लोगों को समझाने का प्रयास थककर छोड़ देना सही है या फिर अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास तब तक ना छोड़ना जब तक कि उनमें बुराई खत्म ना हो जाए, या यह सही है? उन जैसे लोगों को तो ईश्वर ही मार देता है। ईश्वर किसी को भी नहीं मारता, अथवा इंसान के कर्म ही उसे मार देते हैं। जो भी मरता है वह ईश्वर से अलग होने के कारण मरता है। इसलिए जो लोग ईश्वर से अलग हो रहे हैं, संतों का काम है उन्हें ईश्वर से जोड़ना। जो लोग ईश्वर को भूल चुके हैं उनको ईश्वर की शरण में लाना ही संतों का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? जो सही है। तो यह पूरा शहर झूठों का है, मुझे इन्हें भस्म कर देना चाहिए। क्या पूरा शहर झूठों का है? हाँ, पूरा शहर झूठों का है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बुरे और अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं। मैंने तो इन्हें अजमा लिया, आप खुद ही इन्हें अजमा कर देख लो। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना यह लो 2 सिक्के और 2 कागज के टुकड़े। 1 सिक्के का सच ले आओ और 1 सिक्के का झूठ। जिसे भी लाओ उसे कहना सौदा सोच समझ कर दे। भाई मर्दाना कई दुकानों पर गए, परंतु कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास ऐसा सौदा नहीं है। अरे भाई, ऐसा कौन सा सौदा होता है जैसा तुम मांग रहे हो? हमने तो कभी सुना नहीं और ना कभी देखा। गुरुजी के साथ रहकर भाई मर्दाना भी बहुत धैर्य वाले व्यक्ति हो गए थे। अंत में वो एक दुकान पर पहुंचे। मेरे गुरु ने ये 2 कागज के टुकड़े दिए हैं और 2 सिक्के, और मुझे कहा है कि दुकान से जाकर 1 सिक्के का सच ले आओ और 2 सिक्के का झूठ। क्या तुम मुझे मेरा सौदा दे दोगे? उस दुकानदार ने दोनों कागज पर कुछ लिखा और भाई मर्दाना को वापस वह 2 कागज के टुकड़े दे दिए। भाई मर्दाना ने 2 कागज के टुकड़े गुरुजी के हाथ में दिए। गुरुजी बोले, हमजा घोष, इस पर क्या लिखा है? 1 कागज पर लिखा है जीना झूठ है और 2 पर लिखा है मरना सच है। गुरुजी बोले, जो इंसान यह बात समझता है वह ईश्वर से दूर नहीं हुआ है। अब बताओ, क्या जिसने यह कागज पर लिखा है वह झूठ बोल रहा है या सच? यह तो सच्चाई है जीवन की। तो अगर एक भी इंसान इस शहर में अच्छा है तो उसे क्यों मारना? तब क्या करें गुरुजी? जिसने पाप किया है वही उसका फल चुकाएगा, पूरा शहर नहीं। एक की गलती के लिए पूरे शहर को खत्म क्यों करना? ठीक कह रहे हो गुरुजी, गीगा ने झूठ बोला है, पाप किया है, उसे ही मार देना चाहिए। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या संत को दयालु होना चाहिए या कठोर हृदय वाला? सही कह रहे हो गुरुजी, संत का हृदय दयालु होना चाहिए। इसके पश्चात गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भाई मर्दाना ने रबाब बजाया। हमजा घोष भी गुरुजी की भक्ति में मग्न हो गया। गीगा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और गुरुजी के चरणों में पड़ गया, और इस तरह से प्रेम का संदेश फैलाकर गुरुजी भी अपनी अगली यात्रा को निकल गए।